अस्सलाम वालेकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज मैं फिर शेयर करने वाली हूँ खोबरा और सेंगदाने की चटनी। तो चलिए देखते हैं उसके बनाने का तरीका। यहाँ मैंने भुना हुआ सेंगदाना ले लिया है, जिससे कि मैंने इसको भुन लिया है, भुन के इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं वो उतार लिया है। यहाँ मैंने एक छोटा ले लिया है नारियल, नारियल के पीछे जो ब्लैक कलर का जो एक छिलका होता है वो भी मैंने उसको उतार लिया है और उसको ऐसा स्लाइस कर लिया है नारियल को। और यहाँ मैंने लिया हुआ है 7 से 8 हरी मिर्च, आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा मैंने ले ली हूँ हरा धनिया और 8 से 10 मैंने ले लिया है लहसुन। और यहाँ टेस्ट के हिसाब जाएगा नमक। और यहाँ थोड़ी सी इमली मैंने धो के भिगो दिया था। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे। जार में हम सबसे पहले डाल देंगे सेंगदाना, इमली, नमक, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्चें और जो खोपरा हमने रखा हुआ था वो भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा पीस के हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको फिर से हम ढक्कन लगा के इसको पीस के निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा बारीक पीसेंगे हम। यहाँ मैंने इसको पीस के निकाल लिया है और कुछ इस तरह से रहेगा चटनी। अब इसको हम कर देंगे डिश आउट। इसको चटनी के ऊपर हम तड़का नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तड़का लगाने से चटनी 2 दिन तक नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएगी। आप इसको बिगर तड़का लगा के ऐसे ही रखेंगे फ्रिज में तो ये 2 से 3 दिन तक चटनी एकदम फ्रेश रहेगी खाने के लिए। यहाँ ये खोबरा और सेंगदाने की चटनी रेडी है खाने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म पराठे के साथ सर्व कीजिए और ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।